तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं पिवट टेबल पे आपके साथ एक ऑफिशियली प्रॉब्लम, ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर मोबाइल फोन पे। नहीं, आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं जूम कर रहा हूँ, आपके मोबाइल में तो स्क्रीन रिकॉर्ड होता है ना, उसमें मेरे ख्याल से वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होती है सर। मैं ये एंड्रॉयड मोबाइल का ऐप बना बना के डालता हूँ सर, ठीक, बट नहीं एंड्रॉयड ऐप एक्सेल का
है, अदरवाइज जीरो है। और इसको मैं ऐड करके ओके करता हूँ। अब सही है सर, ठीक है सर। एक बार फिर ये कंफ्यूज हो गया मतलब क्या, एक बार फिर से बताएंगे, फिर से समझाना पड़ेगा सर। मैंने क्या किया, सुनिए, मैंने हम जो कर रहे थे सेम काम मैंने यहाँ भी किया है। डेट पे मेरा फीचर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, डेट है ना सर, उस पे मेरा जो फीचर है एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि हमने एक ग्रांड टोटल नाम का एक एक ऐसा नाम का कॉलन ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये तीनों पे मैंने पिवट लगाया और मैंने यहाँ डिजाइन में गया, फिल सेट आइटम में गया, कैलकुलेटेड फील्ड पे गया और एक नई फील्ड ATT नाम से मैंने बनाया और हमने बोला कि इफ अगर ये जो SR है अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे वन आए, अदरवाइज यहाँ पे जीरो आए। यहाँ पे इसको इसके बाद इसको मैंने राइट कर दिया। लेकिन आप कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या हम अटेंडेंस नहीं ला सकते ए इस तरह से पी और ए। देखिए पिवट टेबल की कैलकुलेशन में जहाँ तक थ्योरी कहती है कि आप यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल रिजल्ट को ला सकते हो, आप जो है इसमें आगे सिर्फ न्यूमेरिकल रिजल्ट ही आता है इसमें, इसमें करेक्टर का रिजल्ट नहीं आता। अब ऐसा हमने क्यों, फिर इफ कंडीशन लगाने का फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अब मैं इजिली इसका टोटल वगैरह निकाल सकता हूं ना सर। बिजली में से कि इसका ग्रांड टोटल वगैरह निकालना है तो मैं आराम से इसका टोटल निकाल सकता हूँ कि भाई इसका ओवरऑल टोटल क्या हुआ। फिलहाल तो यहाँ O1 दिख रहा है बट मैं इसमें सम कर सकता हूँ आसानी से, मैं इसकी राइट ग्रांड टोटल हटा के कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास 1 और 0 का फंडा है। पहले क्या था 1, 2, 4, 0 था, पहले भी हो जाता लेकिन काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला और एफर्ट लगाना पड़ता, लेकिन अब थोड़ा सा सिंप्लाइज हो गया कि भाई 1 मीन इट मीन्स परसेंट एंड जीरो इट मीन्स अबसेंट। तो कोई भी फार्मूला ये जो अटेंडेंस शीट किसी भी सिस्टम अटेंडेंस कैलकुलेशन या सैलरी कैलकुलेशन पे जाएगी तो वहाँ इजी होगा इसको देखना। समझे बिजित जी? हाँ जी, आपको समझ आया सॉरी? प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना एक्चुअली सर, प्रैक्टिस। हाँ तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं एक फाइल भेज रहा हूँ। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि मेरे पास नेम है, इन टाइम है और आउट टाइम। आपको एक ऐसी अटेंडेंस शीट बनानी है जिससे मुझे पता चले कि बंदा कब आया और कब गया, किस डेट को कब आया और कब गया, समझे। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना, यहाँ पे आपको प्रेजेंट एब्सेंट वाला सिस्टम नहीं डालना, यहाँ पे जस्ट आपको टाइम डालना है और जिस दिन नहीं आया उस दिन का एब्सेंट लगाना। तो आपका जो है इसको बनाइए और मुझे फटाफट भेजिए। चलिए लगा देता हूँ, थोड़ी देर में मिल जाएगी आप।